व्हाट्सअप गाइस, मैं चंद्रनाथ, भारत भ्रमण में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अभी उपस्थित हूँ हरिद्वार रेलवे जंक्शन में। और दोस्तों, हरिद्वार रेलवे जंक्शन से आप मैंने केदारनाथ का यात्रा कैसे करें उसके बारे में दोस्तों आपको एक छोटी सी जानकारी और वीडियो शेयर करूंगा। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल चंद्रनाथ इंडियन टूर को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अरे मैं दोस्तों, देख ही सकते हैं आप हरिद्वार रेलवे जंक्शन, भाई सब पीक वगैरह ले रहे हैं। और भाई गर्मी इतनी है ना, पैर जल जा रहा है। भाई पहले भाई जूता पहन लेते हैं, उसके बाद कहानी बताते हैं आप लोग को क्या कहानी है यहाँ की। ये भाई हरिद्वार रेलवे जंक्शन देख लो, पूरी की पूरी। यहाँ से तो आपको पता ही होगा ना, ना भारत के हरी जगह के लिए जो ना आपको यहाँ ट्रेन मिल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों पार्किंग वगैरह ए टू जेड देखने को मिल जाएंगे। ये भाई हरिद्वार रेलवे जंक्शन की मेन फ्रंट है ना, देख लो। ये हो गया हरिद्वार रेलवे जंक्शन की मेन फ्रंट। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड एक ही साथ है एकदम, आप जो है ना पैदल ही जा सकते हैं, कोई मार किराया देने की जरूरत नहीं। और यदि हरिद्वार घाट जाना चाहते हैं इधर से भाई पैदल भी जा सकते हैं, और 10 रुपया किराया देगा ना वो क्या कहता है वो रिश्का वाला ले जाएगा, टेम्पो उधर नहीं जाता है घाट तरफ, पैदल ही जा सकते हैं। यानी कि आप जहाँ भी जाइए हरिद्वार का पैदल ही जा सकते हैं, कोई किराया खर्चा करने की जरूरत नहीं है, अगल बगल में ही है। तो दोस्तों अभी निकलते हैं हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन का बाहर और दिखाते हैं भाई वहाँ से जो है ना मैंने आपको केदारनाथ जो सोनपुर आ गए वहाँ तक कैसे जाए ना, वही ना कहानी है। तो पूरी की पूरी कहानी बताते हैं। यहाँ से निकलना है आपको डायरेक्ट सीधे आपको बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा, उधर ही चल रहा है अपन अभी, दिखाते हैं आपको। भाई एंट्री एग्जिट गेट किधर से है इसकी? हाँ इधर से, इधर को आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद जो है ना उस पार जाना है, उस पार ही आपको बस स्टैंड देखने को मिल जाएंगे। आराम से बस स्टैंड को जाना है भाई, वो सीधे आपको बस स्टैंड देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा दूर है नहीं, बस बगल में ही है, मान लो ना 100 मीटर। अब भाई 100 मीटर भी यदि नहीं चल पाओगे तो क्या ही बताए भाई, केदारनाथ ट्रैक में क्या चलोगे? 16 और 7 खरा चढ़ाए, 7 16 7 कितना होता है, 23 किलोमीटर होगी पूरी ट्रैक। अब हमको अपन को तो भाई चढ़ने में जो है ना पूरी की पूरी मान लो ना 1 दिन लग गया। सुबह 3 बजे चढ़ाई शुरू किया ना, वहाँ जाके 2:50 में पहुँचे, मैंने आधा घंटा इधर उधर आराम से गए धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं। और आने में भी भाई वही टाइम लगा, कोई कम नहीं लगा, धीरे धीरे आराम से आए। मैंने दृश्य के एंजॉय लेते लेते, मैंने उधर एरिया इतनी मैंने ज़बरदस्त है ना, इधर से आए तो वीडियो में आप देखे ही होंगे। आ गया भाई बस स्टैंड। तो दोस्तों फाइनली हरिद्वार बस स्टैंड के सामने आ गए, और ये रहा हरिद्वार बस स्टैंड। हरिद्वार बस स्टैंड से दोस्तों आपको मैंने यदि आप डायरेक्ट केदारनाथ जाना चाहते हैं यानी कि सोनप्रयाग, सोनप्रयाग के लिए जो है ना अभी तो भाई कोई गाड़ी है नहीं, सुबह के मान लो ना वही 7-8-9 हाईस्ट, और 9 बजे भी आओगे ना गाड़ी मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आदमी बैठा हुआ था। तो आपको जो है ना कम से कम 7 बजे तक आ जाना है। और ये रहा हरिद्वार ये बस स्टैंड। यहाँ से दोस्तों जो है ना मेनली जो केदारनाथ ये सोनप्रयाग का गाड़ी चलता है वो दोस्तों यहाँ पर नहीं लगता है। यहाँ से दोस्तों आपको ऋषिकेश, उसके बाद जो जो भी एरिया अगल बगल के वहाँ के लिए आपको डायरेक्ट गाड़ी देखने को मिल जाएगा। और यदि आप मैंने यहाँ जाना चाहते हैं, क्या नाम है, सोनप्रयाग ना, जहाँ केदारनाथ का ट्रैक शुरू होता है, उसके बाद वो यहाँ से 50 रुपया टैक्सी वाला लेते हैं और वहाँ से फिर डायरेक्ट केदारनाथ की चढ़ाई शुरू होता है। उसके लिए जो है ना आपको गाड़ी पकड़ने के लिए सुबह, हाँ सुबह के जो है ना वही 6 सुबह 3 बजे से तो गाड़ी खुलना शुरू हो जाता है, और 9 बजे तक लास्ट बस है। और वो वाली बस पकड़ने के लिए आपको ये वाली यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा, ये जो है ना यहाँ पर लाइन से बस लगा हुआ रहता है, अभी नहीं एक भी बस। अभी जो है ना सब बस चल गया, सुबह 3 बजे से लेके 1 लाइन से यहाँ पर बस खड़ा रहता है, और 9 बजे तक लास्ट बस है। लेकिन 9 बजे आइए आपको गाड़ी मिलेगा नहीं क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी पहले से आदमी बैठा हुआ रहता है, लेकिन बहुत ट्रेन आता है ना उस समय सुबह सुबह, कोई दोस्तों 12 बजे ही आ जाता है उस बस का वेट करता है। और बस से यदि जाइएगा किराया एक जन का वही मान लो 600 रुपया पड़ता है, डायरेक्ट आपको सोनप्रयाग जाएगा, कहीं पर नहीं रुकेगा, आराम से लेके जाएगा भाई। तो ये रहा भाई बस स्टैंड, और बस स्टैंड के बगल में ही आस्तो ये केदारनाथ के लिए आपको गाड़ी मिल जाएगा यहाँ पर। तो आशा करता हूँ आप लोग तो समझ ही गए होंगे। तो इस ब्लॉग को करते हैं इंड भाई, अपन तो भाई चारधाम ये केदारनाथ के खाली दर्शन करने गए थे, पूरा के पूरे दर्शन करके आ गए, अब चलते दोस्तों डायरेक्ट घर। अब उनकी ट्रेन जो है ना अभी 4 बजे है।